हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। मेरा संदेह यह है कि परमात्मा जो है हर जीव के हृदय में वो भगवंत वास करता है, स्थित है, तो भी जीव को उसके परमात्मा के होते हुए भी जीव को दुख भोगना पड़ता है। उसके कृत्य का जो परिणाम होता है, परिणति, वो भी दुर्भाग्य में होती है। ऐसा क्यों होता है? भगवान के, परमात्मा के होते हुए जीव को सुख ही मिलना चाहिए। परमात्मा के रूप में भगवान जो हैं, जीव को सुख ही देते हैं, किंतु जीव जो है किसी भ्रम के कारण भगवान का दिया हुआ सुख ठुकरा देता है। उसे लगता है कि भगवान जो दे रहे हैं वो अच्छा नहीं है, वो ठीक नहीं होगा मेरे लिए, मुझे कहीं और सुख ढूंढना चाहिए। तो जब कहीं और वो सुख ढूंढने लगता है तो फिर उसे सुख मिल सकता है या दुख मिल सकता है। क्यों? क्योंकि जीव में इतनी क्षमता नहीं है कि वो ठीक से निर्णय कर पाए कि कहाँ सुख है कहाँ दुख है। उपनिषद में उदाहरण दिया जाता है कि परमात्मा और जीव एक ही वृक्ष पर दो पक्षी के समान है। एक पक्षी जो परमात्मा है वो जीव को समझाना चाहता है कि उसका सुख कहां पर है, ज्ञान देना चाहता है, किंतु जीव आत्मा जो है वो इस वृक्ष के खट्टे मीठे फल के प्रति आकर्षित हो जाता है और वह यह फल ग्रहण करना चाहता है। प्रेम दिखाने का जो उनका तरीका है, जो पद्धति है, वो है ज्ञान देना। ज्ञान प्रदान करते हुए वह बच्चों को दुख से मुक्त करवाना चाहते हैं। माता पिता जो है छोटे बच्चों को जबरदस्ती हाथ से उन्हें पकड़कर दूर ले जा सकते हैं, यह उनका तरीका है। जो हमारे मानवीय जीवन में परिवार में जो माता पिता होते हैं वह, किंतु परमात्मा और जीव का जो संबंध है, जब जीव शरीर धारण किया होता है उस संबंध में परमात्मा जो जीव को ज्ञान प्रदान करते हैं वह तरीका है जिससे कि जीवात्मा जो है वह अपने जो भौतिक क्रियाएं हैं उससे अपना मन निकाल ले, उससे अपना मन फेर ले। तो अगर हम परमात्मा की बात सुन ले, जो ज्ञान हमें प्रदान कर रहे हैं कि उनकी इस सेवा में मन लगाना चाहिए, साधना करनी चाहिए, अगर ये बात सुन ले और उनका उन्होंने जो हमें उपदेश दिया है उसे ग्रहण कर लें, अर्थात जो उन्होंने संदेश उपदेश दिया है हमें उसके अनुसार पूरा जीवन हम जगने का प्रयास करें, तो निश्चित रूप से इस जीवन के उपरांत, यह जीवन उपरांत जो है हमें दुख देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो परमात्मा में जो शक्ति है वह यह है कि वह हमें ज्ञान दे सकते हैं। यह संबंध है जब जीव शरीर धारण कर लेता है। ऐसा संबंध क्यों है? इसके पीछे बहुत तत्व ज्ञान है कि ऐसा क्यों है, लेकिन यह संबंध है। तो परमात्मा जो है पूरी तरह से सक्षम है, पूर्ण रूप से शक्तिशाली है, और वह अपने शक्ति का प्रयोग हमें ज्ञान प्रदान करते हुए प्रदर्शित करते हैं। इस जीवन में ऊंच नीच होने ही वाला, ऊपर उथल पुथल होने ही वाला है, तो हमें प्रयास यह करना चाहिए कि इस जीवन उपरांत में पुनर्जन्म ना प्राप्त हो। और पुनर्जन्म ना प्राप्त होने के लिए हमें क्या करना है? भगवान जो हमें संदेश दे रहे हैं उसे पूरे मन से ग्रहण करना है। और कलयुग में जो संदेश दिया गया है वह है भगवत नाम स्मरण। भगवान का नाम जप करना, भगवान के नाम का श्रवण करना और उसका मनन करना।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।